हेलो दोस्तों, ऐप अड्डा की वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइल रिकवरी एंड डाटा रिकवरी एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन क्या है, इस एप्लीकेशन का आप अपने मोबाइल के अंदर किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन की सभी जानकारी A to Z सेटिंग्स इसी वीडियो में देने वाला हो। किस प्रकार से यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके फाइल, वीडियो, ऑडियो, वीडियोज़ वगैरह, फाइल वगैरह, फोटोज़ वगैरह किस प्रकार से रिकवर कर सकते हो, कितने भी पुराने, ये भी इसी वीडियो में देने वाला हो। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना दोस्तों, जब भी आप इस एप्लीकेशन को सही से करने का तरीका यहां पर आप जान पाओगे। इस एप्लीकेशन की दोस्तों सच्चाई भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, फाइल रिकवरी डाटा रिकवरी एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको इंटरफेस दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सिंपल इंटरफेस यहां पर आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पे भी यहां पर आपको कुछ वर्जन यहां पर बता देता है। यहां से मैं बैक आ जाता हूं नीचे की तरफ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फोटो स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो स्कैन का, म्यूजिक रिसाइकल और रिकवरी सेंटर का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों जो भी रिकवर करना है इजिली आपको वो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, रिकवर कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर आपको फोटो स्कैन का ऑप्शन मिल जाता है, पर इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको परमिशन मांगता है स्टोरेज के, तो यहाँ पर आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके परमिशन दे देनी है जितने बार भी ये परमिशन मांगता है। और दोस्तों जैसे आप परमिशन देते हो, ये एप्लीकेशन आपको रिकवरी यहाँ पर आपकी स्टार्ट कर देता है। अब देख सकते हो दोस्तों रिकवरेड फाइल मेरे यहाँ पर क्या बता रहा है, अभी फिलहाल में 0 यहाँ पर बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो फोटो रिकवर मेरे बता रहा है यहाँ पर 0 यहाँ पर बता रहा है। फिर से मैं क्लिक कर लेता हूँ, स्कैनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो गई और फिर से ये 0 यहाँ पर बता रहा है। यहाँ से मैं ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता रहता हूँ, यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जो वीडियो स्कैन है यानी कि वीडियो रिकवरी का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्कैनिंग यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो जाएंगे और देख सकते हो रिकवरेड फाइल यहाँ पर मेरी कितनी बता रहा है, 416। जी हाँ दोस्तों, 416 मेरे वीडियो यहाँ पर रिकवरेबल यहाँ पर फाइल ये बता रहा है। यानी कि देख सकते हो जैसे मैं ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये देख सकते हो मेरे वीडियो यहाँ पर है जो डिलीट थे वो यहाँ पर मुझे शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इजीली यहाँ पर आप वीडियो को सिलेक्ट करके बैच रिकवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिकवर यहाँ पर आप कर सकते हो। यानी कि दोस्तों फोटोज़ के अंदर तो यहाँ पर अभी फिलहाल में कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा है, देख सकते हो 0 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वीडियो यहाँ पर मेरे रिकवर हो रहे हैं। म्यूजिक स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर म्यूजिक भी मेरे यहाँ पर रिकवर हो चुके, देख सकते हो ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। और यहाँ पर आप देख सकते हो अब ऑडियो भी मेरे रिकवर हो चुके। इस प्रकार से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। यानी कि दोस्तों यहाँ पर फोटो स्कैनिंग में अभी फिलहाल में कुछ नहीं आ रहा है, ये दोस्तों इस एप्लीकेशन का काला सच की फोटो स्कैनिंग में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यानी कि वीडियो और ऑडियो में यहाँ पर आप कर सकते हो। रिकवर सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पर आपको आपने जो जो भी रिकवर किया वो यहाँ पर आपको पूरे स्टोरी मिल जाती है, जैसे कि फोटो, वीडियो, म्यूजिक वगैरह और पूरे ऑल में भी मिल जाते हैं। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ, रिकवर बिन में भी यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो फाइल रिकवरी डाटा रिकवरी एप्लीकेशन के जरिए। यहाँ से आप डिलीट फाइल, फोटो और वीडियो वगैरह इजीली रिकवर कर सकते हो। पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दे दी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर देना सब्सक्राइब।